आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद। अमेज नाउ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच एक पखवारे से आसपास का समय हो चुका है। युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। तमाम ऐसे देश हैं जो उभय देशों के बीच में से किसी एक देश के पक्ष में युद्ध में शामिल होने का जिन्हें अंदेशा है, इस बात की चिंता है। तो कहीं कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें औद्योगिक बढ़ते औद्योगिक संकट की वजह से उनकी चिंता बढ़ती जा रही है, जो जायज़ भी है। भारत में भी इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है। रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को बनाए रखने की जहां दबाव भारतीय राजनयिकों पर है, भारत देश पर है, भारत सरकार पर है, वहीं बढ़ती महंगाई का भी खौफ है। इस बात की चिंता सिर्फ नहीं है कि पेट्रोलियम के दाम बढ़ने वाले हैं, इसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के भी दाम बढ़ सकते हैं। हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न व्यापारी वर्ग के लोगों से बातचीत किया और उनसे युद्ध के संबंध में बढ़ने वाले महंगाई पर बातचीत की और जाना उनके विचार। आइए आपको भी हम देखते हैं और सुनाते हैं। ये जो फ्यूल का रिटेलिंग प्राइस है, ये डिपेंड करता है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के ऊपर। इस समय क्रूड ऑयल के ऊपर, क्रूड ऑयल का इस समय जो एकल की रेट है इंटरनेशनल मार्केट में $130 प्रति बैरल के हिसाब से, ये इस समय प्रेजेंट टाइम में जो 86.71 रुपये डीजल का दाम और पेट्रोल का दाम 95.17 रुपये है, ये जब क्रूड ऑयल का दाम 65.60 रुपये हुआ करता था बैरल, तब से विगत दिनों से जो चुनाव का माहौल चल रहा है, जिस वजह से रेट रिवाइज नहीं हो रहे हैं, जो कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता था कि वो बढ़ाना या घटाना गवर्नमेंट की तरफ से उसको रोक लगाई गई, संभवतः अब जो है इस समय 130 रुपया बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल हुआ है, 130 रुपया प्रति बैरल इस समय हो गया, जो लगभग दूना हो चुका है। उस हिसाब से कम संभावना ही तो ये है कि 20 रुपये लीटर तेल के दाम बढ़ने चाहिए। और ये युद्ध जो है हो रहा है, जिसकी वजह से जो रशिया एक बहुत बड़ा सप्लायर था क्रूड ऑयल का, वो सारे क्रूड ऑयल के आने पर रोक लगा हुआ है, या इंटरनेशनल प्रतिबंध की वजह से या कुछ बाधाएं और भी हैं, तो उस वजह से ये रेट बढ़ा हुआ है क्रूड ऑयल का। अब इसके अलावा इस्पात बहुत दाम बढ़ गया है, ये सारी चीज़ें जो वहाँ से कच्चे माल आते थे उनकी वजह से ये इस पर प्रभाव पड़ा हुआ है। जैसा कि आम लोग ये जानते हैं कि रूस से के बजाय की अपेक्षा लोग जो भारतीय व्यापार ईरान, इराक, सऊदीया से हुआ करता था पेट्रोल डीजल के लिए, नहीं इराक, ईरान वगैरह गल्फ कंट्री से भी पूरे भारत की सप्लाई पूरी नहीं हो सकती थी, ये कॉन्ट्रैक्ट में रहता है कुछ जो है सभी देशों के साथ, तो ये परसेंटेज वाइज बचता रहता है, क्योंकि भारत का अपना उत्पादन जो है पूरे भारत के खपत का करीब 10-15% तक का है, बाकी गल्फ कंट्री से और रशिया से और भी जगह से इनके टाई अप होते हैं, ताइवान हुआ, तो उस पूरा फील नहीं कर पाते हैं ये, एक ही जगह गल्फ जो है, तो इसी वजह से डिमांड जो है बढ़ी है, सप्लाई कम हुआ है, इसलिए क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। जी, अभी जैसे कि आपने बताया कि यूक्रेन से भी बहुत बड़ा निर्यातक था सनफ्लावर का, तो नहीं, सनफ्लावर का वर्ल्ड में सबसे बड़ा सप्लायर तो यूक्रेन ही है, सूरजमुखी का तेल का जो है सबसे बड़ा सप्लायर है, जो कि पूरी तरह से चरमरा गया है, इसकी वजह से खाद्य तेलों के भी दाम बहुत बढ़ गए हैं। अच्छा, ये निश्चित है कि खाद्य तेलों के भी दाम बढ़े? हाँ बिल्कुल, इस समय कम से कम 10-20 रुपये किलो के हिसाब से दाम में अंतर आया हुआ है। तो क्रूड ऑयल फिर वहाँ से, ये जो आपने बताया कि 20-25 रुपये 30 रुपये के बीच का जो अंतर था पहले, तो ये अंतर क्यों, उसको साफ शोधन करने में इतना खर्चा आता है क्या? किसके फिर से क्रूड ऑयल? हाँ, क्रूड ऑयल जो होता है ना, कि ये जो आज का रेट है क्रूड ऑयल का दाम, ये मार्केट में इसका फर्क 1 महीने के बाद आएगा। अच्छा,
पहले ये सौदा हो जाता है कि आज की रेट का है ये, मतलब कच्चा माल इसको जो है सप्लाई के लायक बनाते बनाते एक महीने तक का समय लगता है, जो आज रेट है इसका असर एक महीने के बाद आए। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें इस बात का शायद इल्म ना हो कि पेट्रोलियम दामों के साथ साथ प्लास्टिक उद्योग का भी कारोबार जुड़ा हुआ है। पेट्रोलियम के जहां दाम बढ़ेंगे प्लास्टिक का कारोबार भी प्रभावित होगा। बैटरी की जो इंडस्ट्री है, बैटरी से जुड़े तमाम ऐसे लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं, उनका कहना है कि प्लास्टिक का बहुत सारा सामान फाइबर भी बैटरी में उपयोग होता है और इसकी वजह से बैटरी का भी दाम बढ़ सकता है, तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी चिंतित हैं। तो हमने दीपक इंडस्ट्रीज के प्रोप्राइटर दीपक जायसवाल से भी बात की, आइए उनको भी सुनते हैं। महंगाई देखिए, कहीं भी किसी भी, आज हमारे घर में ही अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, जब परिवार का बंटवारा होता है और जब पैसे का बंटवारा होता है तो महंगाई अपने आप उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से जब दो देश आपस में लड़ रहे हैं, तो जब दो देशों के पास लड़ रहे हैं, जिनके पास जो जिस चीज की उत्पत्ति करने का, जिसके पास आयात और निर्यात करने की व्यवस्था है, वहीं पर डंप हो गई है। जैसे हम माल की डेट में मान लीजिए यूक्रेन से तेल लेते थे, आज अगर हमें तेल की उत्पत्ति नहीं मिल रही है, तेल की प्राप्ति नहीं हो रही है, और हमारे तेल एक ऐसा चीज़ है, देखने कहने में तो वो तेल है, मगर अगर हमें साग सब्जी मंगाना है, अपने व्यापार के लिए कोई भी सामान मंगाना है, तो वाया ट्रांसपोर्ट, उस ट्रांसपोर्ट के लिए हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, वो है। हमें कहीं भी अपना सामान भेजना होता है तो हम एक वाया ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजते हैं कि जो कि हमें दिक्कत में परेशान पैदा करती है। जैसा दूसरा महंगाई का दौर है प्लास्टिक, पेट्रोलियम से होता है कि पेट्रोलियम से प्लास्टिक का दाना तैयार होता है, और आज की डेट में प्लास्टिक एक ऐसे दाने का रूप हो गया है कि चाहे वो पीने का बॉटल हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक का, सॉफ्ट ड्रिंक का हो, चाहे वो आपके किसी भी प्रकार का, जैसे हमारे जो मैं व्यापार करता हूँ, बैटरी का व्यापार करता हूँ, बैटरी का पूरा कवर प्लास्टिक का ही होता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो उसको हम ईंधन से, यानी कि अगर हम पेट्रोलियम से जोड़ते हैं, तो पेट्रोलियम से वो दाना तैयार होता है, प्लास्टिक का दाना, और अगर पेट्रोलियम महंगा तो दाना तैयार तो कहीं ना कहीं हमारा सारा प्रोडक्ट हमारा महंगा पड़ता चला जा रहा है। ये तो यूक्रेन का विश्व युद्ध और रूस का युद्ध तो अभी पिछले एक महीने से चल रहा है, मगर हमें हमारे ट्रेड में मार हमें पिछले एक सालों से मिल रही है। आपके ट्रेड मतलब? हमारा ट्रेड बैटरी और इन्वर्टर का ट्रेड है जी। मेरी फर्म है दीपक बैटरी, मैं इन्वर्टर बैटरी का व्यवसाय करता हूँ, और मेरे ट्रेड में ये मई 2022 में जो कोरोना काल आया तो 2020 में और 20 में आया, मगर 2021 में जो दूसरी लहर आई, उसके बाद से जो एक भयावह स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद से जो भी हमारे दूसरे देश से आयात होते, जैसे हमारा इन्वर्टर बैटरी का जो किट होता है, जो मेन पीवीसी किट जिसको हम बोलते हैं पावर सप्लाई किट, वो चाइना से इंपोर्ट होकर के आता था, वहाँ पे वो किसी भी कारण से, चाहे वो कोरोना की वजह से रुक गया या किसी भी कारण से आपसी भाईचारे की वजह से रुक गया, वो ना आने की वजह से, और हम इंडिया में उसकी जब मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, हमारे इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत कॉस्टली है, उसकी वजह से वो इन्वर्टर के दाम आप मई कह लीजिए, जून कह लीजिए, जुलाई कह लीजिए, एवरी मंथ कंटिन्यू विद इन ए ईयर 2-4% बैटरी और इन्वर्टर के रेट इंक्रीज ही किए हैं, जिसके वजह से कस्टमर में भी एक हाहाकार मचा हुआ है कि जो बैटरी मैं पिछले 12,000 रुपये की खरीद के ले गया, दो महीने बाद वो बैटरी का दाम 12,400-12,600 हो गया। मुझे इस मार्केट में मुझे बहुत लड़ाई लड़नी पड़ रही कस्टमर को अवेयर करने के लिए कि भैया आज महंगाई का दौर बढ़ रहा है, मैं महंगा खरीद रहा हूँ इसलिए मैं आपको महंगा बेच रहा हूँ, मगर कस्टमर को ये होता है कि जो चीज़ मैं दो महीने पीछे ले गया हूँ वो इसी रेट में आज मुझे भी मिल जाए। बैटरी इंडस्ट्रीज में मैंने आपको भी फिर कहा कि जहाँ तक ईंधन की बात है, पेट्रोलियम पदार्थ की बात है, यूक्रेन से हम पेट्रोलियम लेते हैं, हम आबू धाबी से पेट्रोल लेते हैं, अगर हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हम प्लास्टिक का दाना कैसे बनाएंगे, प्लास्टिक का दाना नहीं बनाएंगे तो हमारी बैटरी का बॉक्स कैसे बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, बैटरी का रॉ मटेरियल के रूप में प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, बैटरी के पार्ट में एक रॉ मटेरियल प्लास्टिक भी है, अब प्लास्टिक का दाना जो पैदा होता है पेट्रोलियम पदार्थ से पैदा होता है, दाम हमें हर 15 दिन के बाद ये कंपनी से एक अल्टीमेटम मिल रहा है कि आप अपनी तैयारी करिए, हर 15 दिन बाद 2%, 4% का इजाफा हमारे ट्रेड में कंटिन्यूस पिछले एक सालों से बना हुआ है। होने से वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और एक देश केवल अपने से नहीं, चूँकि USSR रशिया इतना बड़ा देश है, वो कहीं ना कहीं हर एक देश से किसी न किसी रूप से, आर्थिक रूप से या व्यापारिक रूप से जुड़ा हुआ है। तब जब इतना बड़ा संकट आया है तो उसका दुष्प्रभाव सभी देशों पे पड़ा है।
जहाँ तक आप देख सकते हैं कि सारी इकोनॉमीज सफ़र कर रही हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस चाहे US का हो चाहे इंडिया का हो, हर जगह के स्टॉक एक्सचेंजेस घट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इन कंपनियों पे उठ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पोर्ट से, एक्सपोर्ट से या एक दूसरे की पॉलिसी से, फिस्कल पॉलिसी से एक दूसरे के ऊपर हम निर्भर हैं, और जब तक ऐसी सिचुएशन रहेगी तब तक चाहे मेटल्स ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, इन सबों में तेज़ी बरकरार रहेगी। और मेरा ये मानना है कि अगर ये युद्ध रुक भी जाता है तो भी इकोनॉमिक सिचुएशन सुधरने में बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि रशिया पे बहुत तरीके के सैंक्शंस सारे नेटो कंट्रीज़ मिल करके लगाए हैं, तो इसका असर अभी वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत लंबे समय तक रहेगा, और जब तक ये असर रहेगा महंगाई की मार रहेगी लोगों के ऊपर। गोल्ड पर असर देखा जा रहा है, अभी युद्ध शुरू हुआ और तुरंत गोल्ड की जो दाम है, कीमतें भाग गई जी, और क्या होने वाला है? सोना हमेशा निवेश का एक दूसरा ऑप्शन मान करके रखा जाता है, कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो जब स्टॉक एक्सचेंज से लोग अपना पैसा निकालते हैं तो उसको एक स्थिर कमोडिटी में लगाना चाहते हैं, जैसे सोना एक ऐसी कमोडिटी है जिस पर लोगों का हमेशा कॉन्फिडेंस रहा है। एक तो इसकी इजी लिक्विडिटी है, इसको रखना भी आसान है, और जब इसमें रुझान बढ़ता है इन्वेस्टर्स का तो नेचुरली इसमें तेज़ी आती ही आती है, और मैं ये मानता हूँ कि इसमें तेज़ी अभी लंबे समय तक रहेगी। रशिया माइनिंग का भी काम करता है, जैसा कि आप बातचीत हो रही जी, तो उससे भी कुछ प्रभाव पड़ने हैं। रशिया में फोर्थ रैंक है वर्ल्ड में सोने की माइनिंग को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट सप्लाई पे आएगा ही आएगा, और जब कोई चीज़ की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होती है तो डिमांड बढ़ती है, और सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होती है तो नेचुरली उसका दाम बढ़ता ही बढ़ता है। तो सोने में तो तेज़ी रहेगी मेरे हिसाब से। अभी लोगों का अनुमान है कि सोना जो अभी लगभग 55,000 रुपये है 24 कैरेट का दाम, ये बढ़ करके 65,000 तक भी हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप बोलिए कि जो आप लगे हुए हैं, इसमें आप लोगों पर भी प्रभाव आता है इस तरीके से दाम बढ़ने की वजह से कीमतें? जब अचानक सोने में तेज़ी आती है तो 2-4-5 दिन या एक हफ़्ता आप मान लीजिए कि जो रिटेल कस्टमर है उसको एक बार संभलने का मौका चाहिए, वो एक बार सोचता है कि अचानक से दाम बढ़ गए हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो इस समय डिमांड वैसे भी थोड़ी स्लो रहती है, क्योंकि अप्रैल में 20 अप्रैल से ही लगन है, तो लोगों ने अपनी बाइंग को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है। पर जब लगातार दाम बढ़ रहे हैं तो लोग देखते हैं कि अब वेट करने से कोई मतलब नहीं है, पता चला हम वेट कर रहे हैं और सोने का दाम 20% और बढ़ गया तो उसमें नुकसान भी लगने की संभावना है। तो इधर 2-3 दिनों से फिर से बाज़ार में थोड़ी रौनक लौटी है, जिन लोगों के यहाँ आगे शादियाँ हैं अप्रैल मई में, तो लोगों ने कुछ तैयारियाँ अपनी शुरू कर दी हैं। दर्शकों, आपने देखा होगा इस रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध का असर कितना व्यापक है और कितना प्रभावी है। युद्ध लड़े जा रहे हैं यूरोपीय देशों के बीच में, और इसका प्रभाव सिर्फ अफ्रीका, एशिया, पूरी दुनिया में पड़ रहा है, और एशिया महाद्वीप, भारतीय महाद्वीप में भी इसका असर है। तो आप भी समझ सकते हैं कि कितना दुष्प्रभावी, कैसे दुर्गामी परिणाम जो आ रहे हैं, इसका संकट, इससे इसका प्रभाव आम आदमी पर किस तरह से पड़ने वाला है। तो देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।